दोस्तों आज 3 जुलाई 2024 है और हम देख रहे हैं डॉक्टर गौरव सर मॉर्निंग राउंड पे पेशेंटों का हाल चाल ले रहे हैं। तो अभी हम आंशु जी को देख रहे हैं, इनको हाथ में फ्रैक्चर था, इनकी रेडियस बोन, अल्ना बोन और एल्बो में फ्रैक्चर था। जैसा कि हम एक्सरे में देख रहे हैं, इनका ऑपरेशन 2 जुलाई 2024 को यानी कल हुआ था और ये ऑपरेशन के बाद की एक्सरे है, ये आज की एक्सरे है। उंगली चलाओ, पूरी चलाओ, चलो बढ़िया, अभी एक्सरे करवा देंगे आप, है ना। अब हम अगले पेशेंट रविंदर जी को देख रहे हैं, इनको टीबिया फिब्यूला बोन में 1 जुलाई 2024 को फ्रैक्चर हो गया था। जैसा कि हम एक्सरे में देख रहे हैं, बाएं तरफ वाली एक्सरे ऑपरेशन से पहले की एक्सरे है और दाहिने तरफ हम ऑपरेशन से बाद की एक्सरे देख रहे हैं। तो एक्सरे में हम देख सकते हैं कि हड्डी की सेटिंग काफ़ी बढ़िया बनी है। तो दोस्तों ऑपरेशन में अगर हड्डी की सेटिंग अच्छी बनती है तो हड्डी बहुत जल्दी बहुत अच्छी जुड़ जाती है। अब हम अगले पेशेंट को देख रहे हैं, ये दादाजी गोवर्धन सिंह जी हैं। दादाजी का केस थोड़ा मुश्किल है, कुछ समय पहले ये अपना हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कहीं करा चुके हैं, कहीं इनका हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुका है जैसा कि हम एक्सरे में देख रहे हैं, और इनकी फीमर बोन टूट गई है। जॉइंट रिप्लेसमेंट का जो इम्प्लांट लगा है जस्ट वहीं से टूट गई है और दादाजी को कुछ पैरालिसिस की भी समस्या है। तो ऐसे में ये केस काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है और आप जान ही रहे होंगे कि चैलेंजिंग केस लगातार डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। अब हम अगले पेशेंट किशन जी को देख रहे हैं, किशन जी बिहार के रहने वाले हैं। इनका इलाज पहले कहीं और चल रहा था, सही नहीं हुए थे, तो ये यूट्यूब के माध्यम से आके यहाँ पे इलाज करा रहे हैं। तो पिछले 15-20 दिन से इनका इलाज चल रहा है और इनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिल चुका है। किशन जी जब यहाँ पे इलाज के लिए आए थे तो इनकी हड्डी की स्थिति ये थी, हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था। तो यहाँ पे इलाज में इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगा है जैसा कि हम एक्सरे में देख रहे हैं। अब हम अगले पेशेंट आलोक मिश्रा जी को देख रहे हैं, इनका भी इलाज पहले कहीं और चल रहा था, काफ़ी समय हो जाने पे भी हड्डी नहीं जुड़ रही थी, इन्फेक्शन हो गया था और इनका पैर भी टेढ़ा हो रहा था और इनके पैर की लंबाई भी शॉर्ट हो गई थी, पैर की लंबाई छोटी हो गई थी। आलोक जी जब इलाज के लिए देसवार हॉस्पिटल आए थे तो इनके पैर की स्थिति ये थी, इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगा हुआ था और पैर काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा था और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था। आलोक जी का पिछले 20-25 दिनों से इलाज यहाँ पे चल रहा है और ये 25 जून 2024 की एक्सरे है। इसमें हम देख सकते हैं इलिजारो फ्रेम लगा हुआ है, टेढ़ी हड्डी जो हो गई थी उसको सीधा कर दिया गया है और पैर की लंबाई बढ़ाने का और हड्डी जोड़ने का प्रोसेस चल रहा है। अब हम अगले पेशेंट विनोद जी को देख रहे हैं, विनोद जी उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनका भी फ्रैक्चर हुए काफ़ी समय हो गया है, इनका इलाज विशाखापट्टनम में, भुवनेश्वर में और इनके होम डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था, लेकिन अभी तक हड्डी नहीं जुड़ पाई थी, इनको इन्फेक्शन भी था। तो पिछले लगभग 1 महीना से इनका इलाज देसवार हॉस्पिटल भरतपुर में चल रहा है। तो यहाँ पे इलाज के दौरान इनका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है और अब हड्डी जुड़ने का काम चल रहा है। ये विनोद जी का 16 जून 2024 का एक्सरे है, इसमें हम देख सकते हैं कि LRS फ्रेम लगा है और हड्डी की सेटिंग काफ़ी परफेक्ट है, इन्फेक्शन भी इनका ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले पेशेंट को देख रहे हैं, इनका अभी ड्रेसिंग चल रहा है, से कोई दिक्कत तो नहीं है, है आराम करियो, थोड़ा आराम मिल जाएगा, हाँ रेस्ट करियो, पैर ऊँचा रखियो ना, हाँ तो ले सकते हैं भैया, और बता देंगे अभी आपको। ये जैसे इनका एक्सरे है, इसमें मीडियल मेलस का फ्रैक्चर था, तो इसमें मीडियल मेलस का फ्रैक्चरेशन ये स्क्रू और प्लेट के माध्यम से किया गया है।